आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्टेक बर्गर। तो सबसे पहले हम बीफ की मैरिनेशन करते हैं। ये हमारे पास स्टेक्स पड़े हुए हैं, हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो हैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून कुटी मिर्ची, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, नमक हसबे भाई का। चले आए मैरिनेट करते हैं इसको। अच्छी तरह से हम इसको मैरिनेट करेंगे। हमने जो स्टेक्स लिए हैं वो एटलीस्ट 1/2 kg हैं, और ये 1/2 kg का ही मैं आपको बैटर बता रही हूँ। अब हम इसको मैरिनेट करके एटलीस्ट 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है, अब हम स्टेक्स को बिल्कुल शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो है हम लेंगे, मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये लेमन जूस हमने छोड़ा हुआ था, तो हम इस पे थोड़ा सा जो है स्प्रिंकल कर रहे हैं। जब तक ये स्टेक हमारा फ्राई होता है तब तक हम जो है इसकी सॉस बना लेते हैं। इसकी सॉस के लिए हमें चाहिए 1/2 कप मेयोनीज, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इससे केचप भी हटा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केचप पसंद नहीं होते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है, आप केचप हटा भी सकते हैं। ये हमारी जो है सॉस भी बिल्कुल रेडी है। हम स्टेक को भी देखते हैं, क्योंकि स्टेक पतले पतले होते हैं तो इसलिए ये जल्दी से गल भी जाते हैं। ये एक साइड पर ऐसा कलर आ चुका है, ठीक है, अब हम दूसरी साइड पर भी वही वाला कलर लेकर आएंगे। तब तक हम जो है इसी उसमें प्याज को हल्का सा सौते करेंगे और टमाटर को, बहुत ज्यादा वो नहीं करना है प्याज को टमाटर को।
कितना खूबसूरत सा कलर हमारा जो है स्टेक का रेडी है। अब हम इसे निकाल देंगे और दूसरे को भी इसी तरह से कलर देंगे। ये देखिए हमारा स्टेक बिल्कुल गल भी गया है, हमारा टमाटर भी हो गया है। बहुत ज्यादा हमें नहीं करना है, कुछ हल्का सा इसकी फ्लेवर दिखे हमने। ये हमारा स्टेक रेडी है, आइए हम इसको बर्गर पे लगाते हैं। हमारी सॉस हमने रेडी की थी, दोनों साइड पर लगा दीजिएगा। बर्गर रेडी है, जरूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपको ये स्टेक बर्गर कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।